क्या हुआ? 191? क्या हुआ है? ये तो वही हुआ जो 2019 में हुआ। 2019 में 119 पे वक्त बदल दिए, जिस बात बदल दिया। आज 155 पे वक्त बदल दिए, जिस बात बदल दिए। पापर भाई रिजवान भाई गए हैं तो फिर हमें लगे साढ़े नाल मजाक ही हो गया। क्या हुआ? इससे अलावा मैं सिर्फ मोहम्मद, मैं मोहम्मद साद आबिद सिर्फ विराट कोहली को पसंद करता हूँ, और विराट कोहली मेरे दिल की जान है। विराट कोहली मेरी जान है, मेरी जान है। इस वक्त मैं विराट कोहली की दिल में मेरी जान है मेरी। एक मिनट बात सुने, आप खेल पे दिखाए ना, मेरी बात सुने। ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम यार? आराम से मेरी बात सुने। क्या वो आउट हो सकते, वो नहीं हो सकते तो करे ना। क्यों ना, अवाम ही चूतिया जो इनको देखती है। सीधी बात है, उसमें हम भी हैं। दिल तोड़ दिया ना, बस ये दोबारा नहीं जुड़ सकता। ये आपका मुल्क है, आप क्यों कह रहे हैं कि हमारा मुल्क गंदा है? क्यों कह रहे हैं? मेरी बात सुने ना, क्यों कह रहे हैं गंदा? हारना किस्मत की बात है मेरी जान, हारना किस्मत की बात है। मेरी बात सुने, इतनी बड़ी लानत ही भेजूंगा, इन्हें शर्म ही नहीं आती। 155 पे दो आउट थे इनके, 187 पे 9 आउट है। हमेशा ही ऐसे ही करते हैं, ठीक है? हमेशा पाकिस्तान को उन्होंने जलील करवाया। आज तक वर्ल्ड कप में नहीं जीते। इनको नेदरलैंड के खिलाफ खिलाओ, जिम्बाब्वे के खिलाफ खिलाओ, नेपाल के खिलाफ, ये सेंचुरियां करे, अपनी रेटिंग अच्छी करे, फायदा इनको वापस बुलाओ। हमको इंतजार में रोहित के बारे में तो क्या ही कहना, विराट तो विराट, अब रोहित कमाल, सुपर। पाकिस्तानी प्लेयर भी वहीं पे खेल रहे हैं जहाँ पे इंडियन खेल रहे हैं, ठीक है? इन्होंने एक छक्का नहीं लगाया यार। रोहित यार, एक क्लैप करो यार सारे, आप भी एक हाथ से कर दो टुंडो वाले, ऐसे करके, ठीक है ना? और शाइन खत्म हो गया तुम्हारा, जो बातें थी कि ऐसे करेगा वैसे फर्क हो गए, ये ब्लेम छोड़ दो, मैच फिक्स था, ड्यू फैक्टर था, फलां चीज थी, वो भी वहीं पे खेले, हम भी वहीं पे खेले। लानत है वैसे पाकिस्तानी टीम के ऊपर, उसमें भी उन्होंने स्कोर नहीं किया, 200 स्कोर का भी पूरा टारगेट नहीं दिया। हैव यू सीन बुमराह? रोहित शर्मा के 86 स्कोर्स। तो आज पाकिस्तानी फैन से पूछते हैं कि जिस तरह इंडिया ने बंबू कर दिया, इंडिया ने आपको तुन के रख दिया, कैसा लग रहा है भाई आपको? मजा आ रहा है। नहीं मजा आ रहा है, सही सूझी है? सूझ तो गई है। नहीं क्या कहेंगे ये, किस तरह की पाकिस्तान ने जो है आज, जिस तरह की पाकिस्तान ने बॉलिंग की है, फिर जिस तरह से आप बैटिंग जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जारी है, ये क्या लगता है आपको, ये किस वजह से हो रहा है? बस यही इनकी डिफेंसिव अप्रोच ने इनको मरवाया, ठीक है? पेपर रहे और उसके बाद जो रिजवान ने टुक टुक, लेकिन जब उनका, ठीक है, उन्होंने अपनी इनिंग बिल्ड की, उसके बाद जब उनका मारने का टाइम आया तो उसके बाद जो उन्होंने अपनी विकेट दे दी, उसके बाद कोई भी ना प्रेशराइज थे सारे, और जो साफ उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा था वो उन्होंने खेलना शुरू किया। वो डर रहे हैं कोई, रोहित शर्मा डरे हैं कोई, शुभमन गिल डरे हैं, अपने बिल्कुल रिदम से खेल रहे हैं, जैसे कि उन्होंने 350 ही चेस करना, हर ओवर में दो दो तीन तीन चौके मार रहे हैं कि अपना वो रन रेट बेहतर की तरफ जा रहे हैं। उनका इस किस्म का तो है ही नहीं कि वो टारगेट से लेना देना नहीं है, टारगेट से लेना देना नहीं है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे हैं या किसके, वो अपनी प्रॉपर नेचुरल गेम खेल। तो बाबर 11 को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि यार ये जो दोस्तियां यारियां ये सब निभा रहे हैं, थोड़ी सी शर्म होती है, थोड़ी सी हया? वही ना, उन्हें अगर शर्म आती होती तो शायद पहले ही कुछ चेंजेस कर लेते, ठीक है? लेकिन उसका नतीजा आज इन्हें मिल गया सामने। गलत बात बोले 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 बाप खड़े ना सामने, आपको बाबर ने हर एवरी पॉइंट में आपको बाबर ने इज्जत दिलवाई है। आज उन्होंने ना शाहीनों के ना पर काट दिए हैं। इस टाइम मैं इंडिया को नंबर वन टीम इस वर्ल्ड कप देख रहा हूँ। आज जो भी कुछ हुआ, 154 पे दो खिलाड़ी आउट, फिर 191 पे तमाम तर विकेटें गिर गई। इंटेंट नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, स्किल नहीं है, टैलेंट नहीं है, या पाकिस्तानियत नहीं है? अली पाकिस्तानियत तो है ही नहीं इनमें, ये मफाद परस्त 11 है, दोस्ती यार 11 पाकिस्तान का पूरा मीडिया कह रहा था। बाबर से पूछा गया भैया तू वर्ल्ड कप जा रहा है, तो उसने बोला कि यार मैं इंडिया से खेलने थोड़ी जा रहा हूँ, हाँ मैं ग्राउंड में जवाब दूंगा। अब तुम जवाब देने के काबिल में नहीं रहे, तुम्हारा वर्ल्ड कप का ड्रीम ओवर हो गया, अब तुम्हारे आगे वाले मैचेस भी मुश्किल हो रहे हैं। अच्छा मैं आपको पिछले कुछ दिनों से जो मैं अली बताने की कोशिश कर रहा था वो ये कर रहा था कि भैया जिन टीम्स के खिलाफ ये खेलते हुए आए इनको बॉलिंग स्ट्रेंथ इनसे कम मिली। हर आदमी अपने 50, हर आदमी अपने 60, एवरेजेस चेक करो, इनकी बॉलिंग चेक करो, आपको अंदाजा हो जाएगा। उस वक्त मैं चिल्ला रहा था कि भैया ये सरकारी रन्स हैं, ये वो रन्स हैं, टीम में रहने वाले रन्स हैं, ये पाकिस्तान के लिए रन्स नहीं है। जिस दिन पाकिस्तान के लिए रन्स मारने के लिए इनको कहा जाता है तो 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं मार पाते रन, ये जहां पर इनको मारने चाहिए थे, जो इनका टॉप ऑर्डर में ओपनर फखर था वो पांचवें नंबर पर आ रहा है क्योंकि हफीज उसके ऊपर आ रहा है खेलने के लिए। वो अगर नीचे स्टार्क को ना मारता तो आपके पास लड़ाई के रन भी नहीं थे, जिसका ये कहते हैं कि पांचों जीते, 10 विकेटों से इंडिया को हराया, उसके बाद तुम्हें मौका मिल गया एशिया कप में जहां पर शाहिन शाह अफरीदी नहीं था, वहां पर राजा पक्षा नामी आदमी जो श्रीलंका के स्क्वाड में नहीं होता, दोनों मैच तुम्हें इतनी बुरी तरह मार के गया, तुम्हें गैरत की कमी भी है, तुम्हें इज्जत की कमी भी है, तुम इतने बेशरम हो चुके हो, इतने गिरे हुए हो कि तुमने कोई बात ही नहीं करी, उसके बाद तुम निकल गए वर्ल्ड कप 2022 के अंदर, ठीक है? ये तो मैंने हल्का बताया। 2022 में नेदरलैंड अगर साउथ अफ्रीका को नहीं मारता तो ये वापसी का सामान लेकर पहुंचे हुए होते, चौड़े इतने गुरूर, इतना प्राउड, इतना करते बगैर परफॉर्मेंस में, हमने तो फाइनल खेला है, अबे फाइनल खेला है तो मार देता इंग्लैंड को, उसी इंग्लैंड से बदला ले लेता जिसकी जिसकी कप्तानी में मोइन अली आया था T20 ओवर, तुम्हें सुझा के चला गया था, उसके बाद इनको मिल गया फिर श्रीलंका, श्रीलंका
है श्रीलंका में, पहले इंडिया ने मारा, दो दिन तक दोनों सारे बॉलर्स को मारा, एक एक बॉलर को मारा, जिनको किसी को टेपिया, कोई बॉल लेके भाग रहा है, कोई जुगाड़ में खेल रहा है, इसलिए कि उसको ये पता नहीं कहां से पकड़ के लिए आए थे, 16 साल का कच्चा तोड़ के वकार यूनुस, एक तो वकार भाई ये छोटे छोटे बच्चे पकड़ के लाते कहां से, इनकी आंख में वो बच्चे ही क्यों आते, पाकिस्तान का डोमेस्टिक का वो बच्चा क्यों नहीं आता, हारिस राउ की जगह जो पिछले 2 साल से डोमेस्टिक खेल रहा है, नसीम की जगह जो पिछले 3 साल से खेल रहा है, भाई ये कौन से बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं जो पाकिस्तान के नाम पे लाके तुम खिला देते हो और फिर तुम बोलते हो पाकिस्तान हार गया, नहीं तुम्हारी नियतें हार गई है, तुम्हारी इंटेंट, तुम्हारी एग्रेशन, 8 पाकिस्तान के लिए रन मान लेते, रिजवान चपराती पे, बाबर पे, बाबर पूरी टीम 36 पे बिखर गई, भेद दिया उन्होंने अहमदाबाद के लिए, तुम 6 महीने से तुम लोगों ने शोर मचाया हुआ था, ये कर दे वो कर दे, घंटा करोगे आगे आने वाले मैचेस में तुम्हारे लिए कुछ पानी नहीं है, अरे ये मुझे आने दे मौसम, ये जिल्लत कब तक उठाएगा आदमी, इनके नामों पे ये जो बात कर रहे हैं, किसके बच्चे पाकिस्तान से खेल रहे हैं भाई, ठीक है ये जो बात कर रहे हैं, थोड़ी एंड एंड इधर मेरी तरफ छोड़ दो इनको, ये जो बात कर रहे हैं, ये जो इन्होंने भी पिक्चर अभी और ट्विस्ट अभी बाकी है, हमारे को हमको मैच जिता रहे नसीम शाह 11वें नंबर के प्लेयर अफगानिस्तान के खिलाफ जाके, और हमारे जो चेयरमैन थे रवि राजा साहब वो बड़े खुशी के शादियाने बजा दे रहे थे कि जी हम फाइनल तो खेल रहे हैं, जो चीफ सेलेक्टर थे हमारे मोहम्मद वसीम वो खुश थे कि हमारी टीम बहुत अच्छा खेल रही है, इतने खुश हैं कि हम कह रहे हैं बाबर आजमी शादी करने को मैं तैयार हूं, मतलब ये किसी मुल्क का क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन ये बातें करता है, एरियल ऊपर से शॉट नहीं मारते जिसकी वजह से हम फंस जाते हैं, उसकी क्या रीजन हो सकती है, लुक पीपल वांट टू नो दिस, यू गाइस यू नो कैन एक्सप्लेन अस क्लियर टू मी एज वेल कि हाउ कम उनकी जब बैटिंग आती है ऑपोजिशन की वो स्पिनर्स को निकल के भी मार रहे होते हैं, इनसाइड आउट भी जा रहे होते हैं, स्वीप भी मार रहे होते हैं, वेरी गुड क्वेश्चन, मुझे हर इंडिविजुअल के खिलाफ एक हमारे साथ एशिया कप में नहीं थे और हमने इसमें बहुत बातें की कि हम हमारी प्रिपरेशन क्या है, एक तो नंबर वन चीज हमें ये पता चलती है, अजहर इसका जवाब दीजिएगा आप कितना अग्री करते हैं कि रैंकिंग इररिलेवेंट है, जब आप छोटी टीमों से खेलेंगे ऑब्वियसली आपके पॉइंट्स ऊपर जाएंगे, जब आप बड़ी टीमों से खेलेंगे उनकी बी सी टीम होगी तो आपके पॉइंट्स ऊपर जाएंगे और वो बता नहीं सकता आप कहां खड़े हैं, देखिए बी सी तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन फुल स्ट्रेंथ टीम्स नहीं थी, फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं थी, मेन खिलाड़ी नहीं थे, आपने जो क्रिकेट खेली पाकिस्तान में जितनी टीमें आई वो ज्यादातर फुल स्ट्रेंथ टीम्स नहीं थी, ठीक है उनके खिलाफ परफॉर्मेंस देना बनिस्बत आसान था, ठीक है नंबर वन बनने में कोई वो हम नहीं कहते कि यार हमारा फॉल्ट नहीं है कि हम नंबर वन बन गए, जिन्होंने जिस तरह की टीमें भेजी उसी तरह की आप यू नो रैंकिंग में वो फर्क नहीं डालती, लेकिन बात यह है कि हमें यू कहते हैं ना रियलिटी चेक वो आज भी हुआ है और मैं एशिया कप में भी हुआ है, एशिया कप में मेरा यही सवाल है कि एशिया कप में जो हुआ भारत के अगेंस्ट हम 228 रन से हारे उसके बाद भी हमें वेकअप कॉल नहीं मिली, नहीं बिल्कुल वेकअप कॉल मिली और उसके बाद हमने हम ही डिस्कस कर रहे थे कि भाई जो हमें लग रहा है कि हम पाकिस्तान इतना फेवरेट है उतना फेवरेट अब रहा नहीं है, बासित भाई और सब ना आज टीम का पोस्टमार्टम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये बुमराह ने जो बात की ना इससे तल हकीकत मैं आपको बताऊं, बुमराह ने कहा कि मैं अपने सीनियर से पूछता था जिससे मुझे सीखने का मौका मिला, ये मिकी आर्थर साहब ने पाबंदी लगा रखी थी पहले के सरफराज को कोई मशवरा नहीं देगा और फिर के बाबर आजम को कोई मशवरा नहीं देगा जब सीनियर प्लेयर इनके साथ खेलते थे, ये तो हमारी टीम की सोच होती थी जिसकी वजह से यहां पे हम आगे खड़े रहे, जो अदर अली बात कर रहे थे देखे इंडिया जो है ना इंडिया जब छोटी टीमों के खिलाफ खेलने जाता था तो वो अपनी बी स्ट्रेंथ या सी स्ट्रेंथ भिजवाता था, इस वजह से उन्हें बैकअप मिल गए, आप बताएं हॉलैंड गए अनफिट शाहिन शाह अफरीदी को कौन लेकर गया, आपके कप्तान बाबर आजम लेकर गए, अनफिट थे वो अनफिट थे, एशिया कप में आपने उनको बेंच पे बिठा के रखा, अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज थी तो आपने कहा नहीं जी दोस्तों के साथ हम जाएंगे हम दोस्तों को लेकर जाएंगे, तो बैकअप प्लान ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हमारे पास मैच कम थे, वो टीमें बी स्ट्रेंथ आई सी स्ट्रेंथ आई, जब छोटी टीमें आई तब भी हम लश्कर लेके पूरी चढ़ाई कर दी कि हमने नंबर वन बनना है, हमारे रैंकिंग में नंबर जो है ना ऊपर चले जाए, टीम रैंकिंग में नंबर वन हासिल कर ले, करना है ले लें रैंकिंग के नंबर, सही है ना बड़े मैच में यही होगा, ये कोई तुक्का नहीं है, ये कोई ये नहीं है कि एक गेम की कहानी है, 228 रन की शर्मिंदगी भी हमने ही उठाई है और अभी रिसेंट पास में उठाई, तो कामरान भाई फिर बात आपकी तरफ आता हूँ, अब जाहिर है आज के मैच की खामियां देखनी होंगी ताकि अभी क्योंकि वर्ल्ड कप का तो भी आगाज है, ये कोई नॉकआउट मैच तो था नहीं कि इस पर वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो गया, वो तो भी आगे बढ़ना है, तो आगे के मैचों में आसानी होगी, तो आज के मैच से क्या तीन क्या दो तीन बुनियादी बातें जो कि टीम को सीखने की जरूरत है, टीम अगर किसी बड़ी टीम से खेलना है ना मेंटेलिटी अच्छी करनी है इंटेंट चाहिए, तो इंडियन टीम के पास जितने बैट्समैन है ना हमारे जो रोहित शर्मा गिल विराट कोहली श्रेया ये जो 6 तक बैट्समैन है उनके साथ बैठ जाए, अच्छा अच्छा अभी शुक्र करें हमारी इनके साथ सीरीज नहीं हो रही, इससे बुरे तरीके से हमें फेंटा थे और उनकी बी टीम आके फेंटा थे, हम 10 साल इनसे पीछे हो गए हैं, इतनी क्रिकेट है कुछ वो दूसरी बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, उन्होंने इनके बड़े बड़े प्लेयरों से मैच जीते हैं, वो बताते होते थे होटल से हार के आए होते थे, हम लोग भी जब गए हैं जीत के आए हैं, कोई बॉलिंग नहीं थी इंजी भाई की कैप्टनशिप में 2012 में जीत के आए हैं, तो वो टीम थी वो लड़ती थी जीतने के लिए खेलती थी, पर्सनल गोल अपनी क्या नाम है टॉप 10 में आने के लिए नहीं खेलते थे टीम के। देखिए बात सिंपल सी है, प्रेशर नहीं ले पाया पाकिस्तान के कोई प्लेयर भी जो है प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पाया, आप बातें कितनी भी कर रहे हैं चेयरमैन साहब जाके जितनी भी मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यार प्लेयर नहीं जाके खेलना है बीच में, अब जब 1,00,000 से ऊपर का क्राउड है और वो सारा आपको हर तरफ जो है चारों तरफ से नीला नजर आ रहा हो सी ऑफ ब्लू एक हो
तो प्रेशर तो आता है, आई थिंक हमारी पूरी टीम आज प्रेशर में आई है बुरी तरह से। और आप देखें जो डिसमिसल हुए हैं सिमा सिवा एक इफ्तिकार के, जो कि थोड़ा सा अनलकी रहा कि उसके ग्लव सर के अंदर चली गई गेंद, मतलब बिहाइंड हिज लेग वो बोल्ड हुआ। उसके अलावा यार सबके सब तकरीबन जो है वो अंदर आती वाली गेंद को जज ही नहीं कर पाए। बाबर का जो डिसमिसल है, एक इतना बड़ा बैट्समैन मतलब माना जाता है वो दुनिया का, 50 रन वो कर चुका था। जब एक आदमी यानी शुरू में आया हो तो चलो समझ में आती है, 50 रन वो कर चुका है और उसके बाद जिस तरह से उसने मिसजज किया है, मतलब इतना क्लोज टू द बॉडी है बॉल और उस पर वो पत्नी क्या करने की कोशिश कर रहा था सिराज गेंद पर जिससे वो बोल्ड हुआ है। तो अब इट्स वेरी वेरी पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान इंडिया का जब भी मैच होता है ना तला बात आती है सारी कि कौन सी टीम प्रेशर ज्यादा बर्दाश्त करेगी, कौन सी टीम अपनी नर्व्स को होल्ड करेगी। अनफॉर्चुनेटली आज दोनों केस में पाकिस्तान टीम जो है वो बिल्कुल ही फ्लॉप हुई है। और उसकी एक और वजह भी है कि बीइंग द सीनियर मोस्ट प्लेयर्स रिजवान एंड बाबर, जब उनकी पार्टनरशिप डेवलप हो रही थी अच्छी खासी और एक अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म बना हुआ था, तो यार फिर ऐसे नहीं होता कि बाबर साहब 30 डॉट बॉल खेलेंगे और रिजवान जो है 42 डॉट बॉल्स खेलेंगे, तो फिर किधर गई वो पाकिस्तान वे ऑफ क्रिकेट और वो फियरलेस क्रिकेट। आप जब तक के सिवाय एक इफ्तिकार ने जिसने 4 गेंदों पर 4 रन बनाए और 100 की स्ट्राइक रेट पर बैटिंग की, कोई बंदा 100 की स्ट्राइक रेट पर नहीं बैटिंग कर रहा है यार आजकल की ओडीआई क्रिकेट में। तो 100 या 100 से ऊपर की स्ट्राइक रेट पर बैटिंग करना तो अब नॉर्म हो चुका है। तो आपकी टीम में तो कोई भी नहीं था ऐसा जो कि 100 से ऊपर जैसे स्ट्राइक रेट पर बैटिंग की हो, तो देन व्हाट यारों को लेके क्या नंबर वन बनेंगे? वो लोग जो अपने आप को नंबर वन बैटर कहलाते थे, वो लोग जो इनको अपने टीम में ही लोग कभी रिजवान कभी हसन या किंग है या नंबर वन है, ये इमाम आईसीसी का इतना बैटर है मिकी आर्थर कहता होता था, ये शाहीन शाह अफरीदी इतना डेंजरस है, इसकी ये रैंकिंग है। द मोमेंट उनका वर्ल्ड क्लास टीम के साथ सामना हुआ एक्सपोज होकर रह गए, जेरा जेरा करके रख दिया टीम इंडिया ने, प्रॉपर हैमरिंग कर दी रोहित शर्मा ने, बता दिया भाईजान आपकी क्रिकेट कहां खड़ी है और हमारी क्रिकेट कहां खड़ी है। जब भी एंड में थोड़ा बहुत स्लो हो गए 120 बॉल ऑलमोस्ट 117-118 बॉल से आप लोगों को हराया है पाकिस्तान की टीम को, आपको लग पता चल गया आपकी क्रिकेट कहां पे स्टैंड करती है। अब भी बाबर आजम बतीसियां बोले, अब भी इमाम बतीसियां बोले, अब भी ये लोग बतीसियां बोले कि एक ही हार है, जे हार है वो हार है, एशिया कप से पाकिस्तान की नाकामी का सिलसिला चला आता चल रहा है इस वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग आज उस फास्ट बॉलिंग को भी उड़ा के रख दिया है, आज आपकी नंबर वन बल्लेबाजी भी गई खाक में, आपका नंबर वन बल्लेबाज आईसीसी रैंकिंग में नंबर वन बल्लेबाज कहां गई, उसकी नंबर वनी कहां गई, कहां गया उसका नंबर वन होना, क्या वो पाकिस्तान के काम आया? अगेन वही सेल्फिश अप्रोच, अगेन वही डिफेंसिव अप्रोच, अगेन वही पुराना टुक टुक का अंदाज, लोग मीम्स बना रहे हैं टुक 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 टुक, ये बैटिंग करते हैं, दिस इज पाकिस्तान वे, ये है पाकिस्तान वे, जिसको हमारा पिछली बार आपको याद है वर्ल्ड कप में कुदरत का निजाम में शुरू हुआ था, इस बार जो है वो मिकी आर्थर का पाकिस्तान वे में शुरू हुआ। अरे भाई तुम्हारी इस घिसी पिटी आज से 10 साल पुरानी 20 साल पुरानी क्रिकेट को अब कोई नहीं मानता, अब इस क्रिकेट का कोई वजूद नहीं है। अब अगर आपको खेलना है तो आपको वैसे खेलना पड़ेगा जैसे शुभमन गिल खेलता है, जैसे रोहित शर्मा खेलता है। रोहित शर्मा, मैं तो समझता हूं पाकिस्तान को आज जिस बंदे ने तने तनहा हराया है ना, उसका नाम रोहित शर्मा, उसकी कप्तानी ने पाकिस्तान की कमर तोड़ी। विक्ट्री, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द इंडिया एंड द इंडियंस, इंडियन क्रिकेट फैंस, वेल डिजर्विंग विक्ट्री। जब आपकी टीम इतना जबरदस्त खेले कि दोनों टीमों में एक जमीन और आसमान का फर्क खड़े लाके खड़ा कर दे सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, कोई बातें नहीं, कोई हाइप नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई नंबर वन के नारे नहीं, कोई वर्ल्ड क्लास के नारे नहीं, कोई किंग के नारे नहीं, सिर्फ परफॉर्मेंस, एब्सोल्यूट फोकस ऑन परफॉर्मेंस। ओपोनेंट को इज्जत दी, कल रोहित शर्मा ने बड़ा कैटेगरी बोला पाकिस्तान एक क्वालिटी ओपोनेंट होगा, 7-0 मैटर नहीं करता, लेकिन आज ये पता चल गया कि पाकिस्तान ने 1992 से T20 के मुकाबले में तो चले अब हमको दिख ही जाता कोई कॉम्पिटिशन, लेकिन ODI का फर्क आपको अब 1992 के वर्ल्ड कप से साफ दिख गया होगा 2023 में। इन 31 सालों में पाकिस्तान की सबसे हैवीएस्ट, सबसे बुरी, सबसे भयानक आज विक्ट्री आई है इंडिया के हाथों, और इंडिया ने बगैर शोर शराबा मचाए पाकिस्तान के लाके हाथ में ये विक्ट्री डिफीट रख दी कि ये लीजिए आपकी हिस्ट्री की 31 साल के इतिहास की सबसे शर्मिंदगाना हार, सबसे रबिश परफॉर्मेंस आपने खुद दी है, तो इसी वजह से हार आपको मिली है। रोहित शर्मा ने जिस तरह आज यहां बैटिंग कर छोड़ी है, उसने यहां कि पिच का बहाना, इसका बहाना, उसका बहाना, जो बहाने बनाने बनाते रहो, अपने को पागल बनाते रहो, एक्सक्यूजेस बच्चे टीमों को हरा के हल्की बॉलिंग अटैक के सामने 350 रन बना के आप अपने आप को शक में डालते रहो, लेकिन हकीकत वही है बड़ा मुकाबला होगा, क्लच मैचेस होंगे, आप हर दफा फंसोगे, बार बार फंसोगे। एक महीने में इंडिया ने आपको दो दफा आपसे खेल लिया, एक दफा उन्होंने 228 रन से आपको हराया, आज उन्होंने आपको 43 ओवर के अंदर 191 पे आउट हुआ,
और 30 ओवर में आपको हरा दिया ये गेम। इंडिया ने मॉरली आज सोलफुल विक्ट्री तुम की है, लेकिन हमारे लिए सोल क्रैशिंग हमें डिफीट दिया आज टीम इंडिया ने, क्योंकि इतनी भयानक हार आपने 92 से लेके आज तक 2023 तक कभी नहीं हारी। आप 92 में भी हारे थे, आप 96, 97, 99, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019, लेकिन 2019 में आप 142 रन से हारे थे। तो आप लोगों को सरफराज अहमद की जमाइयां नजर आती थी, सरफराज अहमद का यौन करना नजर आता था। आज किस पे डालोगे, आज किस पे डालोगे? आज वो वक्त आ चुका है कि ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। यू नीड टू